मार नहीं अभी थे, अभी 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 थे ब्लैक खाऊंगा, मार नहीं खानी। अभी अकेला गणपत के बाहर बैठा हूँ, अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। मैं अकेला अभी इतने बजे देखने का टाइम टाइम हुआ है अभी 11 बजे। अभी दूसरे से लोगों से बात हुई, वो अभी पहुँचने ही वाले, बस आधे घंटे या घंटे में आने वाले, फिर हम लोग सब साथ में जाएंगे कॉलेज के अंदर। और जो हमारे थेपला वाला बंदा है, मतलब आप सभी जानते हो कि कौन है वो थेपला वाला, तो वो तो नहीं आ रहा, पर उसने थेपले दूसरे दोस्त के साथ भेजे। मतलब देख रहे हो थेपला का इम्पोर्टेंट कितना है। अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, मतलब फ़ोन यूज़ करके भी बहुत बोर हो चुका हूँ, इसलिए बैठे बैठे टाइम पास के लिए व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मतलब व्लॉगिंग तो सोच रहा था घर से कर लूँगा, पर नहीं किया। आई डोंट नो क्यों नहीं किया, पर नहीं किया मैंने। सो अभी देखते कि मतलब कैसे हम हॉस्टल के अंदर जाएंगे, वहाँ पे कैसे रूम हमको मिलने वाले हैं। हम मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रूम में शायद 2 जन होंगे शायद, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा, फिर तो भाई मज़े है मज़े। और आज रात को भी हम बहुत देर तक बैठने वाले, सो शायद ये वीडियो में सब कुछ मैं दिखाऊंगा कि हम रात को कितने तक बैठ मतलब कितने बजे तक बैठने वाले हैं, और क्या मतलब क्या रहता है सीन आज का पूरा देखेंगे इस व्लॉग में। तो अभी 12 बज चुके हैं और अभी तक भी मतलब कोई आया नहीं है। एक फ्रेंड आ चुका है, मतलब वो थोड़ी भी अभी 5-6 किलोमीटर तक दूर है, सो वो आ रहा है। और एक क्वेश्चन है मैं सबको पूछना चाहता हूँ कि एक मतलब मैं बीट सुना रहा हूँ, वो बीट कौन से सॉन्ग की है, मुझे वो सॉन्ग याद नहीं आ रहा। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। टा ना 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 टा टा ना 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 टा ना 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 ना। अगर आपको ये बीट वाला जो सॉन्ग अगर आपको पता है कि इसका नाम क्या, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। मैं कब से सॉन्ग ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। ये कमेंट में बताओ कि सॉन्ग का नाम क्या है, क्योंकि मुझे मतलब कब से सॉन्ग याद आ रहा है, उसकी लिरिक्स मतलब याद नहीं है, तो सॉन्ग नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अगर आपको ये मतलब पता है कि म्यूज़िक कौन से सॉन्ग का है, तो प्लीज़ बता दीजिए मुझे कमेंट में। यहाँ पे जो हमारा लगेज है यहाँ पे पड़ा है, और वो रही हमारी गणपत यूनिवर्सिटी। अभी हम जाने वाले थोड़ी देर के अंदर, और बात ऐसी सुनने में मिली है कि हम जो भी हॉस्टल में रह रहे थे वहीं पे हमको जाना है, मतलब कोई हॉस्टल एक्सचेंज नहीं करनी, जहाँ पे भी हम रह रहे थे जो पुराना रूम था वहीं पे रहना है, तो वो अच्छी बात है। और अभी देख हमारा दोस्त कहाँ पे पहुँचा, कुछ पता नहीं कहाँ पे है ब्रो। कितनी देर लगेगी तेरे को, मेरे दोस्त नहीं आते तब तक इन तीनों से बात करते हैं। ये नंबर स्टूल 1 है, स्टूल 2 है, स्टूल 3, ये तीनों मेरे दोस्त हैं, मतलब अभी नए बने हैं। और पता नहीं बोल ही नहीं रहे कुछ, मैं कब से पूछे जा रहा हूँ इन तीनों को, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। पता नहीं क्या बोल, मतलब मुझसे नाराज है क्या, मैंने क्या किया मैंने क्या किया रे अरे 2 लोग दिख रहे हैं, उसमें से एक बंदा बहुत बड़ा हरामी है, मतलब जो येलो टी शर्ट वाला बहुत बड़ा हरामी है। हमको सुबह से बोल रहा है वो नहीं आ रहा, मैसेज कब से करे जा नहीं आ रहा, और ये इसको कूटूंगा मैं अभी, दो मिनट रुको। कौन हो भाई, कौन हो आप लोग, कौन क्या हालचाल भाई भाई, कितने अलग तन तो मारवाना उम्र रहता तो धोना तना हरामी पाछों के सवार नहीं आओ तो ध्यान से देखो, ये वही थेपला वाला इंसान है। ये आज वापस थेपले लेके आया, पर आज थोड़ी हेयरस्टाइल वेस्टाइल थोड़ी चेंज करके आया इस बार, और ये तो पूरा चेंज हो गया है। तेरी हाइट कैसे बढ़ गई ये तो बता पतला हो गया क्या, पतला तो होगा, हाइट भी बढ़ गई थोड़ी। वो पता है तुम दोनों नहीं आते तब तक मैंने अपने 3 नए दोस्त बनाए, दिखा दो रुको, वो वहाँ पे बैठे हैं। अबे इधर आ जा, तुम लोग भी नहीं आ रहे हो, वो मेरे से नाराज है। ये आ गया हो रहा बंदा। ये देखो जो हमारा थर्ड मेंबर, जो मैं जब से इसका वेट कर रहा था, इससे पहले ये लोग आ गए, ये दोनों आ गए, ये नहीं आया। और ये देखो ये है बॉडी वॉडी भर आ गया, मतलब देखो पूरा बॉडी बिल्डर लग रहा है। आओ वेलकम करने दो पहले, चलो आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। और वहाँ पे ये देखो ये कौन है, मारो इसको पकड़ के, इसको रूम पे रूम ना बन ना कराए मार मार पकड़ के मार, खोपड़ी फोड़ साले की खोपड़ी फोड़। चलो हम अच्छा ठीक है कोई नहीं, चलो हम चले अब हॉस्टल के अंदर, सब सीधा हॉस्टल जाके सब कुछ दिखाता हूँ, जो भी होगा हॉस्टल में जाके दिखाता हूँ। सो ये रही हमारी यूनिवर्सिटी, सो ये हमारी शानदार, यहाँ पे हमारा बस स्टॉप है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है बस स्टॉप, ये है हमारी कैंटीन जो सबको पता है यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे है हमारा गार्डन, और ये 2 बंदे जा रहे हैं, यहाँ पे एक और आ रहा है, क्या यहाँ पे एक और आ रहा है,
हट जा भाई, जाने दो जाने दो। सो अब ये देखो स्टाइलिश इंसान को, मतलब बॉडी बॉडी बना के, मतलब क्या गजब लुक बना चुका है ये बंदा। और ये है, अबे ये कॉलेज का नाम क्या, VM पटेल है ना, जो भी हो हमको नहीं पता। अब हमारा डिपार्टमेंट दिखाता हूँ, रुको हमारा डिपार्टमेंट आने दो। ये हमारी मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट और उसके पीछे है सिप, और आपको वो वाली सिप अभी दिखेगी नहीं क्योंकि हम इस रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ से घूम के बहुत टाइम लगेगा। और इसके पीछे हमारी वर्कशॉप, और यहाँ पे हमारा रोबोकॉन डिपार्टमेंट, ध्यान से देखिए इसको। और वर्कशॉप भी दिखा लेते हैं, दो मिनट रुक जा भाई, बहुत चलना पड़ेगा अभी तो। यहाँ से हमारी अस्ट्रे पूरी, मतलब अगर गिनने जाए तो ये 800 मीटर या 1 किलोमीटर होगी शायद। और ये रही हमारी वर्कशॉप, यहाँ पे हमारा सब कुछ काम होता है क्या। ये देखो हमारा स्पोर्ट ग्राउंड, और ये हमारे मतलब जो फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे रनिंग ग्राउंड भी कह सकते हैं, यहाँ पे वॉलीबॉल है, और यहाँ पे मतलब जो जो मेन जगह होती है वो हॉस्टल की, मतलब कॉलेज में यहाँ पे सब लोग बैठते हैं, समझ जाओ। और ये जगह भी ऐसी, और ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, और बहुत ही मतलब शानदार ये स्पोर्ट ग्राउंड भी बना है उन लोगों ने, और ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी वहाँ पे पीछे दिख रहा होगा, मतलब हरियाली बहुत है यहाँ पे, आपको सभी जगह दिख रही होगी। और वो देखो हमारा स्पोर्ट ग्राउंड, थोड़ा वीडियो लगता है मुझे बड़ा बड़ा हो रहा है। और ये देखो हमारा विशाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मतलब जिम भी है अंदर, टेनिस मतलब टेनिस कोच है अंदर, और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, ओए वो डांस वाले को क्या बोलते हैं, योगा करते उसको, जुम्बा जुम्बा, और जुम्बा भी है अंदर। हम कहाँ पे पहुँचे हैं, और हमारी हॉस्टल ये पे, यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे इतने थके हुए सची में, मतलब पूरा पसीना पसीना, एक तो गर्मी, दो मिनट को भी दिखा था, यहाँ पे लगता है कोई एडमिशन के लिए आया है। और यहाँ पे हमारी जी ब्लॉक, वहाँ पे एच ब्लॉक है, यहाँ पे मैस है, और हमारी मैस भी यहाँ पे। और ये छोटू देखो यहाँ पे घूम रहा है, अरे छोटू याद है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे रहते थे। और ये हमारा ए ब्लॉक बॉयज हॉस्टल, अभी रूम तक भी चलते हैं, ये ब्लॉक है हमारा। फाइनली भाई इतनी खुशी हो रही है सच्ची में, मतलब पूरे थके हारे फिर भी एनर्जी बहुत है अभी। और ये देखो हमारी गैलरी, यहाँ पे हमको बड़े सुखाते हैं। और ये देखिए यहाँ से हमारा व्यू कैसा लग रहा है पूरा, और हमारा रूम यहाँ पे खुला पड़ा है, यहाँ लगता है कोई रहता था, यहाँ पे कोई रहता है शायद। हो यहाँ पे बुक्स वुक्स सब कुछ पड़ा है, ये देखो हम रूम में आ चुके हैं। अभी पता नहीं यहाँ पे लगता है मुझे कोई, मतलब ये लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई मेहमान रह रहे थे, तो मतलब वो उन लोगों ने ये सब कुछ किया होगा पता नहीं। और ये देखिए हमारा जो मिरर है यहाँ पे ही है, रुको हाय, हमारा शॉपिंग सेंटर है, अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, अभी हम दोनों ही आए, सब यहाँ पे कितना शांत पड़ा है ना, यहाँ पे मतलब टेबल पड़े होते हैं, यहाँ पे सब लोग मतलब दौड़ा दौड़ी होती है खाने के लिए। ये देखो इसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे देखो कितना सुनसान पड़ा है। अभी मैं बस 2-3 दिन बाद अगर मैं वापस आके यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा तो उन लोग देख लेना कितनी भीड़ होती है। अभी तो यहाँ पे कुछ मतलब सब लोग लिस्ट बना रहे हैं कि क्या क्या लाने वाले वो लोग, क्योंकि आज से मतलब सब बच्चे आ रहे, तो ये लोग डिसाइड कर रहे हैं मतलब स्टार्ट करना आज से ही। अभी टाइम हुआ है 3:15, और अभी इतना थक गए कि अभी कुछ काम नहीं करने वाले। यहाँ पे जो हमारा सामान पड़ा अभी भी वैसे ही पड़ा है, अभी कुछ भी सेट नहीं किया है, जो जैसा था वैसा ही है, क्योंकि अभी खाने के बाद हम एक दूसरे के रूम में ही कब से घूम रहे, कोई यहाँ से यहाँ कुछ सामान ले रहा है वो कर रहा है, और बस अब थक गए हैं। तो मस्त पंखा वंखा फूल चालू करके अभी सो जाऊँगा, शाम को उठूँगा। और शाम को हम सब लोग प्लानिंग करने वाले हैं कि मतलब अब से कैसे, मतलब सब सीक्वेंस में या टाइम टेबल के हिसाब से चालू करने वाले, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कब करेंगे, प्रोजेक्ट का काम कब होगा, और मतलब वो सब कुछ होगा, वो तो क्या दिखाना, उसमें तो कुछ नहीं होता। सो रात को देखते हैं कि रात को आज क्या करेंगे, कि मतलब कुछ प्रोजेक्ट का काम करेंगे सब, यहाँ पर मीटिंग करेंगे मेरे रूम पर शायद, हो सकता है कुछ, अभी फाइनल डिसीजन नहीं है। अभी शाम को उठेंगे, फिर क्या करना है क्या नहीं वो शाम को डिसाइड करेंगे, और कल से सब कुछ रूटीन स्टार्ट करना है। तो अभी 6 बज गए, शाम हो चुकी है, और अभी हम जा रहे जो वार्षिक था, जो थेपले लेके आया है,
उसके पास जा रहे हैं, वहाँ पे जाके थिपले खाने वाले अभी शायद चा के साथ, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। ये लोग भी, ये लोग भी मुझे अभी उठाने के लिए आए थे। ये मार मार नहीं, अभी थे अभी 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 थेपला खाऊंगा, मार नहीं खानी।